खाना खजाना में कुछ रेसिपीज ऐसी जो टेस्टी एंड डिलिशियस है, तैयारी काफ़ी मैं कर चुका हूँ, नहीं बताऊँगा कि क्या मैंने किया है क्या नहीं किया है। अच्छा, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो खाना बड़ा पसंद होता है और उसके साथ साथ एक और बात होती है वो ये कि खाना बड़ा महंगा भी लगता है। लेकिन उससे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये कि खासतौर से जब इंडियन खाना खाते हैं हम रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में जिस तरह से खाना बनाया जाता है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है वो काफ़ी हैवी भी होता है, क्योंकि उसके अंदर घी मक्खन तेल बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो सबको स्वादिष्ट लगे। अब घर में जब बनाते हैं तो दिल तो करता है वो चीज़ें खाने का, लेकिन वैसा टेस्ट कैसे लेके आए? नहीं, अब वैसा टेस्ट लाया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें किस तरह से उस खाने को लाइट बनाया जाए। तो चलिए बनाते हैं मक्खनी, और ये वेजिटेरियन डिश, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम बिना मक्खन के इसको बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, और इसमें हम एक काम करते हैं, डालते हैं कुछ इलायची और उसके साथ साथ लौंग, दालचीनी, और इसमें डालते हैं ये गार्लिक, अदरक, ये भी ताज़ा अदरक कटा हुआ, इसे भून लेते हैं अभी हम। और अब इसके साथ इसमें हरी मिर्च, और अब क्या करना है जब तक ये भुनता है, यहाँ पर ये मैंने टमाटर लिए हैं, ताज़े टमाटर पीस कर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे पका रहा हूँ मैं। इसे करीब 15-20 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें, और ये जो पके हुए टमाटर हैं ये इसके अंदर, इसे ज़रा इधर ले लेता हूँ, और ये पैन इधर। अच्छा, ये जो हम बना रहे हैं इसमें पनीर डालेंगे, आप चाहें तो चिकन डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये पनीर, इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, और इसमें नमक और लाल मिर्च। अच्छा, इसमें ज़रा हरा धनिया भी मैं डालना चाहता हूँ ज़रा ताज़ा, तो ये चॉप कर लेता हूँ, और पनीर जो है उसमें थोड़ा सा कलर आ जाए उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये ढेर सारा धनिया, ये देखिए, और ये पनीर जो है ये देखिए क्या बढ़िया रंग आ गया पनीर का, और इस तरफ से भी आप इसमें रंग आने दें। थोड़ा सा नमक और थोड़ी लाल मिर्च। ये जो ग्रेवी है इसके अंदर नमक थोड़ा सा पहले डला हुआ है लेकिन थोड़ा कम है नमक, और उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर, ये जादुई मसाला, और ये जो मैजिक है ये है कसूरी मेथी का, या मेथी के सूखे हुए पत्ते, और उसको क्रश करके इसमें डाला है हमने। और इसके साथ साथ इस ग्रेवी में हम डालते हैं थोड़ा शहद। अच्छा, ये जो ग्रेवी है अगर आप इसको एकदम स्मूथ चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस हैंड ब्लेंडर से एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो इसको छान भी सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मैं इसी तरह से चाहता हूँ इसे। अच्छा, ये जो है अब पनीर जो हमने लिया ये ले लेते हैं, ये पनीर, और इस पनीर के हमने पीसेस काटने हैं अब, तो ये पनीर ये, और इसे काट लेते हैं हम इस तरह से। अब देखिए ये जो पनीर है ये ग्रेवी में जाकर बड़ा अच्छा कैरेक्टर आएगा इसका, क्योंकि इसे हमने थोड़ा पकाया हुआ है लेकिन तला नहीं है। ये देखिए इसका जो रंग है ये कितना बढ़िया, और एकदम सॉफ्ट पनीर। बस हल्के हाथ से इसे मिक्स करें, मक्खन बिल्कुल नहीं इसके अंदर डाला है, और इसकी जो फ्रेशनेस है वही इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाना, तो जब आप इसे परोसने लगें उस समय आँच बंद करके थोड़ा सा दूध डाल दें, घबराइए नहीं, और ये हो जाएगा थोड़ा सा क्रीमी। और अब बस इसी तरह से गर्मा गर्म चपाती बनाएं, जी हाँ पराठे मत बनाएं इसके साथ में, गर्मा गर्म चपाती बनाएं और फिर परोसें इसे एकदम लाइट पनीर मक्खनी को। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका अगली क्या।
पनीर मखनी के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर कटा हुआ, 4 छोटे चम्मच तेल, 4 हरी इलायची, 6 लौंग, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 लहसुन की कलियां मसली हुई, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 3 कप टोमेटो प्यूरी, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच शहद और 1/4 कप दूध। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल गरम करके इसमें हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डालकर भून लें। दूसरे पैन के अंदर टोमेटो प्यूरी में नमक डालकर पका लें और इसे अदरक लहसुन के मिक्सर में डालकर मिलाएं। अब इसमें हरा धनिया, नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और शहद डालकर मिला लें और इसे कुछ देर पका लें। अब बचे तेल को एक ग्रिल पैन में गरम करके इसमें पनीर के पीसेस डालकर ऊपर से नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं और इसको छोटे टुकड़ों में काटकर ग्रेवी में डालकर मिलाएं। फिर इसमें दूध डालकर मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें।